प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक कार्यक्रम में उनके ही स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दी गई लाल रंग की टोपी को देखकर इतने क्रोधित हो गए कि टोपी को ही फेंक दिया, जिससे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का अपमान हुआ है। ये बात हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन के लोकार्पण अवसर पर कही। भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने अपने संबोधन में किसानों की समस्याओं का जिक्र किया कि पहले किसान पानी की समस्या से जूझते रहे और अब बंदरों द्वारा फसलों को उजाड़ा जा रहा है, सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में इतनी चूर हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक कार्यक्रम में उनके ही स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दी गई लाल रंग की टोपी को देखकर इतने क्रोधित हो गए कि टोपी को ही फेंक दिया, जिससे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का अपमान हुआ है। उन्होंने स्मरण करवाया कि हिमाचल की जिस टोपी को पहनकर प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल यात्रा पर गए थे, प्रदेश का नाम रोशन हुआ था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उस टोपी को फेंककर प्रदेश के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। और जहां प्रधानमंत्री मोदी जी हिमाचल की टोपी को सात समुन्दर पार भी इजराइल में जाकर मान सम्मान देते हैं, दुनिया के सामने हिमाचल को नया स्थान देते हैं, वहीं वीरभद्र सिंह हिमाचल की टोपी को फेंक कर अपमानित करते हैं। ये मानसिकता दिखाती है रजवाड़ा शाही की, और जिस तरह से हिमाचल को उन्होंने उखाड़ा है, उसी तरह से हिमाचल की टोपी को भी फेंका है। ये अपमान हिमाचल कभी सहन नहीं करेगा। वीरभद्र सिंह कभी गद्दी समुदाय, कभी दुकानदार, कभी किसान और कभी महिला, और उसके बाद पूरे हिमाचल की अपमान करने पर तुले हैं। अगर वो 84 साल के हो गए रिटायरमेंट लेना चाहते तो ले लें, कम से कम हिमाचल को प्रताड़ित अपमानित ना करें, हिमाचल दुखी हो चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा भी लोकसभा सांसद के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में विकास कार्य को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है, गांव का विकास रुका ही रहा। प्रदेश में जितनी भी लोकहित की स्कीमें जैसे हैंडपंप, बुढ़ापा पेंशन, अंत्योदय योजना, सस्ता राशन योजना आदि केवल भाजपा सरकार के समय ही बनाई गई। शर्मा ने आह्वान किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में मतदान करें और इस क्षेत्र का समुचित विकास सुनिश्चित करें। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में हिमाचल की वर्तमान कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, बिलासपुर।